नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की फटाफट पड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान चीन की अब खैर नहीं, S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई शुरू। 400 किलोमीटर की रेंज तक तबाह करेंगे दुश्मनों के ठिकानों को। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट, दौरा सेना प्रमुख 5 दिन के दौरे पर इसराइल रवाना। रणनीतिक रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की तैयारी। जी तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, महाराष्ट्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। गढ़चिरौली में मारे गए 27 नक्सली, 4 जवान घायल। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे, बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हुआ। और इस बीच मणिपुर आतंकी हमले में नागा पीपल्स फ्रंट ने ली जिम्मेदारी, कहा कर्नल के बेटे और पत्नी के बारे में नहीं थी जानकारी। दोस्तों, कल सैनिकों पे हुआ था हमला, तो एक एक करके बताएंगे। जहाँ पे चीन पाकिस्तान को करारा झटका, CPEC की वजह से सदा बहार दोस्ती में दरार, बार बार बेइज्जत हो रहा है। इमरान जी यहाँ जानेंगे अब चाइना ने क्या बम फोड़ा है। इस बीच अगली अपडेट, चीनी सेना PLA का पालतू कुत्ता, म्यांमार में छिपे रहे आतंकी भारत के खिलाफ क्या है PLA के मंसूबे, तो वही भी बताएंगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर भी बड़ी खबर आई है, नेपाल ने चाइना को भी करारा झटका दिया, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पाकिस्तान चाइना की, अब खैर नहीं, लगभग S-400 मिसाइल निकलने वाला है। पूरी हो चुकी है डील, 400 किलोमीटर की रेंज तक तबाह करेंगे दुश्मनों के ठिकाने। पाकिस्तान की मीडिया में मचा हलचल। दोस्तों, रशिया ने घातक S-400 ट्रम्फ सतह के हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को भारत पहुंचाना शुरू कर दिया है। फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर दिमित्री सुगेव ने दुबई एयर शो से पहले स्पुतनिक को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि डिलीवरी बिल्कुल योजना के तरीके से हो रही है। सुगेव ने कहा है कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू हो गई है और समय पर आगे बढ़ रही है। S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल पहले से ही चाइना और तुर्की द्वारा किया जा रहा है। रूस और भारत ने अक्टूबर 2018 में S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए समझौता किया था। भारत ने रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई थी और इसके तहत ही S-400 के लिए $5.5 अरब का भी समझौता हुआ था। लेकिन अब भारत के लिए लगभग S-400 मिसाइल तैयार और राष्ट्रपति पुतिन भी भारत दौरे के लिए निकलने वाले हैं, तो ऐसे में दोस्तों ये दोनों चीज़ें अपने आप में भारत के लिए बड़ी खबर है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान में इसकी चर्चा जो है वो जोरों शोरों पर है। अगली अपडेट, तो दोस्तों, दौरा सेना प्रमुख 5 दिनों के दौरे पर इसराइल रवाना। रणनीतिक रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर है। दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 5 दिनों के दौरे पर इसराइल रवाना हो रहे हैं और उनकी इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा सहयोग और मजबूत करना है। भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे की यात्रा विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा सचिव अजय कुमार द्वारा रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर का पता लगाने के लिए इसराइल की यात्रा के हफ्तों के बाद हुई है। इससे पहले अगस्त में तत्कालीन एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी इसराइल की यात्रा की थी। अधिकारियों ने कहा है कि जनरल नरवणे दोनों देशों के बीच समग्र सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसराइल के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। बढ़ते द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत और इसराइल ने मंगलवार को ड्रोन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे अगली पीढ़ी की तकनीकों और उत्पादों को संयुक्त रूप से विकसित करने की बात कही गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट, तो दोस्तों, महाराष्ट्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। गढ़चिरौली में मारे गए 27 नक्सली, 4 घायल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 27 नक्सलियों को साफाया कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें, नक्सली पर इस पर कार्रवाई में बड़े पैमाने पर नक्सलियों को छत हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को गरपत्री में जंगलों में महाराष्ट्र की C-16 पुलिस की नक्सलियों संग बड़ी मुठभेड़ हुई थी और उस एनकाउंटर में ही पुलिस ने करारा जवाब देते हुए एक ही दिन में 27 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन में 4 जवान भी जख्मी हो गए, इलाज जारी है। उन्हें नागपुर की ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वैसे इस ऑपरेशन की बात करें तो ये सुबह से ही शुरू हो गया था, कई घंटे तक ये एनकाउंटर जारी रहा और इसी दौरान नक्सलियों के कई शिविर भी ध्वस्त कर दिए गए। अब
यह ऑपरेशन भी इसलिए सफल रहा क्योंकि पुलिस को समय रहते कई एक जरूरी लीड मिल गई। पुलिस को इनपुट मिला कि गरपत्री के जंगलों में नक्सली छिपे हैं और ऐसे में उनकी तलाशी में C-16 पुलिस निकल पड़ी, लेकिन किसी तरीके नक्सलियों को पुलिस के ऑपरेशन के भनक लग गए और उसी वक्त एनकाउंटर शुरू हो गया जिनमें 27 नक्सली मारे गए और यह बड़ी सफलता लगी है। अगले अपडेट, मणिपुर आतंकी हमला। नागा पीपल्स फ्रंट ने ली जिम्मेदारी, कहा कर्नल के बेटे और पत्नी के बारे में नहीं थी जानकारी। दोस्तों, मणिपुर में सेना की टुकड़ी पर आतंकी हमला में 7 लोगों की मौत की जिम्मेदारी नागा पीपल्स फ्रंट ने ली है। दहशतगर्दों ने कहा है कि फिलहाल हमें काफिले में कर्नल की पत्नी और बेटे की मौत हो गई है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। इस आतंकी हमले में पूरा देश आक्रोशित है, दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मणिपुर के चूड़ा चंद्रपुर जिले के सिंघट इलाके में शनिवार दोपहर आतंकियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमले में 46 असम राइफल्स के कमांडर अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। हमले में कर्नल की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। अगली अपडेट, चीन पाकिस्तान के सदाबहार दोस्ती में दरार, CPEC बना गले की फांस। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान की तथाकथित सदाबहार दोस्ती में दरार बढ़ती नजर आ रही है। दोनों देश इसे बेशक जाहिर करने में बच रहे हो, लेकिन ऐसा वास्तव में कई मौकों पर देखने को मिला है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल पाकिस्तान चाइना के हाथों बार बार बेइज्जत हो रहा है और ये बेइज्जती चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC और चाइना मोबाइल पाकिस्तान से जुड़े टेली कम्युनिकेशन टावर के मामलों में देखी गई है। इसराइल के पत्रकार सर्जियो रोस्तोली का कहना है कि दोस्ती की ये दरार पर्वतों से ज़्यादा ऊंची और समुद्रों से ज़्यादा गहरी है। सर्जियो ने टाइम्स ऑफ इसराइल में कहा है कि सिंजियांग के काशगर में ग्वादर तक बन रहे हैं $62 बिलियन के आर्थिक गलियारों को लेकर पाकिस्तान काफ़ी खुश दिखाई दिया है क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे समृद्धि और पैसा आएगा, लेकिन अब वही CPEC पाकिस्तान के गले की फांस बन गया है। और आपको बता दें कि इमरान खान और चाइना जो है आपस में पैसे को लेकर लड़ते भिड़ते कटते मरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि CPEC से पाकिस्तान के लिए पैदा हो रहे संकट की लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में एक घटना के देखने को मिला है। चीन की सरकार ने पाकिस्तान से उन चीनी कर्मियों और इंजीनियर्स के परिवारों को मुआवजे के तौर पर $38 बिलियन देने को कहा था जिनकी इसी साल 14 जुलाई को एक बम धमाके में मौत हो गई थी। हम चलते हैं अगले अपडेट, चीन। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही, COP26 शिखर सम्मेलन का हुआ समापन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर के कई देशों ने जताई सहमति। दोस्तों, स्कॉटलैंड में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता एक समझौते के साथ समाप्त हो गई। इस समझौते का उद्देश्य कम से कम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने की उम्मीदों को जीवित रखा है। समझौते को दुनिया को विनाशकारी जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए एक वास्तविक समझौते के तौर पर देखा जा रहा है। COP26 शिखर सम्मेलन के चेयरमैन आलोक शर्मा ने बताया है कि ग्लासगो में मौजूद 200 देशों के प्रतिनिधियों की तरफ से कोई भी निर्णायक आपत्ति नहीं जताई गई है। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कोयले और गैस के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाले मुल्कों से लेकर तेल उत्पादन मुल्क और प्रशांत महासागर में स्थित छोटे देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये सौदा ग्लासगो में 2 हफ्तों तक चली वार्ता के बाद हुआ। इससे जलवायु संवेदनशील देश बड़ी औद्योगिक शक्तियों की बात हुई। अगली अपडेट, तो दोस्तों बड़ी खबर, नेपाल ने पकड़ा गया चीन का जासूस। खुफिया एजेंसियों ने 60 पन्नों की रिपोर्ट्स में खोले गहरे राज। दूसरे देशों संग रिश्ते बिगाड़ रहा ड्रैगन। नेपाल में जासूसी कर रहे चीन की करतूत का एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। नेपाल की खुफिया अधिकारियों ने एक चीनी जासूसी को पकड़ा जो अमेरिकी वित्तीय सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहा था। यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब नेपाल अमेरिकी सहायता पर अंतिम फैसला लेने वाला है। नेपाली मीडिया के मुताबिक चीनी खुफिया एजेंसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि नेपाल अमेरिकी सहायता लेने से इनकार कर दे, और इससे साफ पता चलता है कि चीन ये बिल्कुल नहीं चाहता कि नेपाल के रिश्ते किसी दूसरे के साथ बेहतर हो। अगली अपडेट, श्रीलंका ने ठुकराई चीन की जहरीली खाद, तो आग बबूला हुआ ड्रैगन, बदनाम करने का आरोप लगा, मांगे पैसे, बैंक को किया ब्लैकलिस्टेड। दोस्तों, चीन और श्रीलंका के बीच जहरीली खाद को लेकर विवाद शुरू हुआ और बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इसका प्रभाव अब दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ने लगा है। चीन ने श्रीलंका को ऑर्गेनिक खाद के नाम पर जहरीला खाद दे दिया जिसे कोलंबो ने इसे लेने से इनकार कर दिया। श्रीलंका पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला देश बनने का प्रयास कर रहा है और इसी के तहत उसने किंग दाओ सीबिया बायोटेक समूह के साथ
एक समझौता किया जो एक चीनी कंपनी ये समुद्री शैवाल से खाद बचाने के लिए मानी जाती है, लेकिन अब 20,000 टन जैविक खाद की पहली खेप को ठुकराने के श्रीलंका के फैसले से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया है। अगले अपडेट दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और आपको बता दें, नांदेड़ हिंसा पुलिस ने उपद्रव में शामिल 35 लोगों को गिरफ्तार किया। इस बीच गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, लगा कर्फ्यू। दोस्तों, त्रिपुरा हिंसा के बाद महाराष्ट्र के कई जिलों तक पहुंची इसकी आंच जो है, अब वो पुलिस प्रशासन ने शिकंजा किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हाल ही में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया। उपद्रव में शामिल बाकी लोगों की तलाश चल रही है। पुलिस प्रशासन ने रविवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न लिखने की शर्त पर समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि फिलहाल नांदेड़ में स्थिति शांतिपूर्ण है और अब पुलिस ने वैन पर पथराव किया गया, उसमें दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। हालांकि अब गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस पर शिकंजा का इसके रिपोर्ट मांगी गई है और कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा में PMAYG लाभार्थियों को जारी की पहली किस्त। कहा पहले कि सरकारों में कट कल्चर बिना नहीं होता था काम। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा के लगभग 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना यानी PMAYG की पहली किस्त ट्रांसफर की है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों के खाते में पैसे को ट्रांसफर किया। लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई। इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव देव भी हिस्सा लिए हुए थे। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया